हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके पास आईफोन है या फिर आईपैड है, जब भी आप अपने आईफोन में या फिर आप अपने आईपैड में कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हो, तो उस वक्त आपको कुछ टच वाइब्रेशन फील होता है या फिर वहां पर एक टच साउंड क्रिएट होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है सुनने में। लेकिन गाइस, कुछ लोगों को ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा अनोइंग लगता है, पसंद नहीं आता, उन लोगों को बहुत बेकार लगता है, तो वो लोग चाहते भाई इसे हम डिसेबल कैसे करें। बट जो लोगों को पसंद आता है ये, और उन लोगों का इनेबल नहीं रहता है, उन लोगों को इनेबल करना पड़ता है। तो भाई, इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक आपको पूरा फुल देखना, क्योंकि आज के इस में दोनों ही चीज आपको बताने लो कि कैसे आप अपना कीबोर्ड का, यानी कि आप अपने आईफोन की कीबोर्ड के टच साउंड को या फिर टच वाइब्रेशन को कैसे एनेबल कर सकते हैं और इसका लुत्फ उठा सकते हैं, मजा उड़ा सकते हैं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला वीडियो को। तो एंड तक आपको देखते ना भाई, स्टेप बाय स्टेप बताने लो कैसे आप इनेबल कर सकते हो, कैसे डिसेबल भी कर सकते हो, दोनों ही चीज बताने लो। तो वीडियो का एक भी पार्ट स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको हमेशा की तरह दो काम करना है। पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है और साथ ही पता चलता है हमारी वीडियोस कितने लोगों को पसंद आ रही है। एंड सेकंड काम ये गाइस कि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं हो तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि जो हमारे नए नए लेटेस्ट वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हम अपने आईफोन की स्क्रीन पर।